सब्जियाँ बहुत महंगी है और सावन में चिकन और मटन हम खा नहीं सकते इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोया बिरयानी इसे खाकर ना ही आपको चिकन बिरयानी और ना ही वेज बिरयानी की कमी महसूस होगी अगर आप इस वीडियो में हर एक टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम सोयाबीन को फुला लेते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल में सोयाबीन ले ली है बड़े वाले सोयाबीन मैंने यहाँ पे यूज किया है उसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे पानी गर्म पानी का मैंने यूज़ किया है इतना पानी डालेंगे कि सोयाबीन जो है वो अच्छे से डूब जाए इस तरीके से फिर हम लोग इसे साइड में रख देंगे जब तक ये फूलती है तब तक हम लोग बाकी सारे काम कर लेते हैं तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल में दो ग्लास बासमती चावल यूज़ किया बिरयानी जब भी आप बनाएं बासमती चावल का ही यूज़ करें उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है बिल्कुल बाजार वजह से आपको पेस्ट आएगा यहाँ पे मैंने चावल को अच्छे से धो लिया उसके बाद इसमें दो ग्लास पानी या फिर इतना पानी जिससे चावल जो है वो अच्छे से डूब जाए डालकर हम लोग इसे भी अलग रख देते हैं आधा घंटा आपको चावल को भिगो के रखना है फिर वापस से हम लोग एक बाउल ले लेंगे उसमें दो कटोरी हम लोग यहाँ पे दही डाल दही को हम लोग यहाँ पे मैरिनेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं उसके बाद दही डालने के बाद हम लोग स्वाद अनुसार नमक डालेंगे फिर एक टेबल स्पून हल्दी पाउडर एक बड़ी टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर दो टेबल स्पून अगर छोटी टेबल स्पून है तो दो टेबल स्पून बिरयानी मसाला देन उसके बाद एक टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट सबको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे मैंने भुनी हुई जीरा पाउडर नहीं डाला था तो वापस से भुनी हुई जीरा पाउडर एक टेबल स्पून डाल देंगे और इसे वापस से मिक्स कर लेंगे इसे सभी मसालों के साथ डालना है वहाँ पे मैं भूल गई थी इसीलिए वापस से मैंने यहाँ पे डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया ये हमारा मैडिनेशन रेडी हो चुका है अब हम लोग इसमें डाल देंगे अपनी सोयाबीन फिर मैंने यहाँ पे आलू भी कुछ लिए हैं बड़े साइज में आलू कट किए हुए और उसके बाद मेरे पास कुछ गाजर पड़े थे फ्रिज में तो उसे मैंने कट करके डाल लिया ये टोटली ऑप्शनल है अगर आपके पास है तो डालें वरना आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास और भी सब्जियां हैं लाइक फ्रेंच फ्रेंचबीन शिमला मिर्च आप वो भी इस तरीके से डाल सकते हैं फिर उसके बाद हम लोग मैडिनेशन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे गाजर आलू और सोयाबीन को और उसके बाद इसे हम लोग साइड रख देंगे मैरिनेट होने के लिए उसके बाद हम लोग गैस पे प्रेशर कुकर को चढ़ाएंगे और उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे फिर हम लोग इसमें डालेंगे तीन से चार टेबल स्पून ऑयल और दो टेबल स्पून घी अगर आप चाहें तो पूरा का पूरा बिरयानी घी में भी बना सकते घी नहीं है तो फिर आप बटर का यूज़ कर सकते हैं फिर ज, जैसे तेल या घी गर्म हो जाए हम लोग उसमें एक टेबल स्पून शाही जीरा दो तेज पत्ता दो से तीन दालचीनी के टुकड़े फिर दो हम लोग बड़ी वाली इलायची डालेंगे सबको कूट के डालना है बड़ी इलायची और छोटी इलायची को फिर चार से पाँच छोटी इलायची देन उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे पाँच से छः लौंग और चार से पाँच गोलकी सभी खड़े गरम मसाला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इससे फ्लेवर बिरयानी में आप समझिए चार चांद लग जाता है तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है तो घर में हम लोग इसे हल्का तड़कने देंगे तेल के साथ घी के साथ उसके बाद हम लोग अब इसमें डालेंगे पतले स्लाइस में कट किए हुए प्याज जी आपको यहाँ पे जो प्याज है वो पतले स्लाइस में कट करना है यहाँ पे प्याज को मैंने अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया है और आप चाहे तो इसमें से जो क्रिस्पी वाला प्याज होता है उसको फ्राई करके हाफ निकाल भी सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी फ्राई किया हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ प्याज को फ्राई किया था देखिए यहाँ पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए यहाँ तक आपको प्याज को फ्राई करना है देन अब हम लोग इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक नमक आप ध्यान से डालें क्योंकि हमने वहाँ मेरिनेशन में भी नमक डाला था और यहाँ पे भी नमक डाल रहे हैं तो नमक की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसीलिए आप बैलेंस वे में डालें तो प्याज के साथ हम लोग नमक डालकर अच्छे से फ्राई कर दिए हैं देन उसके बाद अब हम लोग सभी मसालों को डालेंगे यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर बिरयानी में हल्दी पाउडर का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है इसलिए मैंने वहाँ भी वन बाई फोर टेबल के करीब डाला था और यहाँ भी हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा कमी डाला है उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है एक टेबल स्पून काश्मीरी लाल मिर्च और सबको अच्छे से मैंने भून लिया है प्याज के साथ फिर हम लोग डालेंगे एक छोटी टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट अदरक लहसुन का, का पेस्ट डालने के बाद हम लोग डालेंगे एक टेबल स्पून बिरयानी मसाला जी हाँ यहाँ पर भी बिरयानी मसाला यूज़ होगा क्योंकि प्याज भी इसके साथ फ्राई होगी ना तो अच्छी लगती है तो इसे डालकर अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे अनियन के साथ क्योंकि इसका फ्लेवर जो है वो अच्छे से भुन जाए भुना हुआ जो आ, मसाले का फ्लेवर होता है ना वो तो बात ही कुछ और होती है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अच्छे से भून लिया फिर मसालों को मैंने एक से दो मिनट भूना फिर हम लोग इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ आलू सोयाबीन और गाजर इसे डालकर हम लोग अच्छे से भून लेंगे प्याज के साथ और ध्यान रहे जब भी आप मैरिनेशन वाला यहाँ पर आइटम डालें तो गैस के फ्लेम को लो कर दें उसके बाद कम से कम दो से तीन बार आप इसे अच्छे से चला लें कम से कम एक मिनट तक उसके बाद मीडियम देन उसके बाद हाई करें नहीं तो क्या होगा कि जो दही है ना वो आपकी फट सकती है इसलिए मैंने यहाँ पे गैस के फ्लेम को लो कर दिया फिर उसके बाद मीडियम फिर उसके बाद हाई और कम से कम आप इसे दो से तीन मिनट तक अच्छे से भून लीजिए क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी मसाला यूज़ किया है तो वो भी अच्छे से भून जाए तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा सोयाबीन आलू है वो सब अच्छे से भून गया और इसका आप कलर देख रहे होंगे ये कलर चेंज हो गया है तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे देखिए ये सब्जियाँ अच्छे से भून चुकी है बिल्कुल ब्राउन हो चुका है अब हम लोग इसमें चावल डाल देंगे यहाँ पे जो मेरी ये कुकर है वो थोड़ी छोटी पड़ रही थी तो मैंने यहाँ पे बड़े कुकर में इन सभी सब्जियों को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया और इस तरीके से हम लोग फैला लेंगे इस सब्जियों को देन उसके बाद मैंने इसके ऊपर बिरयानी का जो वो चावल मैंने धो के रखा था वो डाल लेंगे और इसे भी सब्जियों के ऊपर हम लोग अच्छे से फैला लेंगे उसके बाद हम लोग इसमें ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे नमक आप ध्यान रखें कि सभी तरफ से नमक को स्प्रिंकल करें इसलिए मैं यहाँ पे हाथों से स्प्रिंकल कर रही हूँ कि हर एक चावल के ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल हो जाए देन उसके बाद मैंने इसमें दो से तीन टेबल स्पून घी डाल दिया है इससे क्या होगा बिरयानी के जो चावल होंगे ना वो दम एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे ऊपर से मैंने बिरयानी मसाला एक टेबल स्पून इसको भी आप हाथों की हेल्प से स्प्रिंकल करें इससे सभी चावल में जो है वो अच्छे से इसकी फ्लेवर आ जाएगी तो यहाँ पे मैंने सभी मसालों को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है फिर उसके ऊपर हम लोग डाल देंगे अपने फ्राइड किए हुए अनियन तो यहाँ पे अनियन को फ्राई करना मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया बिरयानी के मैं नीचे में आपको लिंक दे दूँगी उसका आप उसमें देख लीजिएगा ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैंने इसमें स्किप कर दिया उसके ऊपर मैंने यहाँ पे धनिया की पत्ती डाल दी है यहाँ पे हमारा 90 परसेंट पार्ट रेडी हो चुका है अब हम लोग यहाँ पे पानी डालेंगे मैंने यहाँ पे गर्म पानी यूज़ किया है क्यों किया मैं आपको आगे बताऊंगी कितना किया है मैं अभी आपको बताती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने दो ग्लास चावल यूज़ की थी तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे तीन ग्लास सेम ग्लास से तीन गिलास मैंने गर्म पानी यूज़ किया है अगर आप ठंडा पानी मतलब नॉर्मल पानी यूज़ कर रहे हैं तो आप कम, आप से, कम से कम चार गिलास से थोड़ा कम मतलब वन बाय फोर्थ कम पानी जरूर डालें इसीलिए मैंने गर्म पानी यूज़ किया है कि अगर आप गर्म पानी डालते हैं तो आपकी जो बिरयानी है ना वो ऑलरेडी पक जाएगी मतलब टेन परसेंट पक जाएगी और इसमें आपको फिर ज़्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं होगी और जो बिरयानी है वो बिल्कुल खिली खिली मिलेगी तो आप ये टिप्स जरूर अपनाइएगा पानी डालने के बाद मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर के ढक्कन को लगा कर मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने यहाँ पे एक सीटी लगा लिया और लगने के बाद आप तुरंत प्रेशर कुकर को नहीं खोलें कम से कम दस मिनट रेस्ट होने जाए इसका जो भाप है वो पूरे अच्छे से निकलने दें मतलब दस से पंद्रह मिनट उसके बाद यहाँ पर ढक्कन खोले तो मैंने टोटल पंद्रह मिनट इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था उसके बाद मैंने खोल कर बिरयानी को निकाल दिया ये देखिए कितनी खिली खिली बिरयानी है जबकि मैंने अभी पूरे तरीके से ठंडा भी नहीं किया है ये ऑलरेडी अभी बहुत गर्म है रेडी हो चुकी है सोया बिरयानी आप इसे सलान रायता किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा